जब से इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान किया है तब से लेबनान में खलबली मची हुई है। खासतौर से हिजबुल्ला इसराइल के हमले के लिए खुद को तैयार करने में लगा हुआ है। और अब हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह भी कह रहे हैं कि वो इसराइल से आर पार की जंग के लिए तैयार हैं। नसरल्लाह का कहना है कि इसराइल कई मोर्चों पर कमजोर पड़ गया है और अब हम उनका ध्यान गाजा से भटका सकते हैं। नसरल्लाह ने आगे कहा कि अगर इसराइल इन हमलों को रोकना चाहता है तो उसे गाजा में अपनी आक्रामकता रोकनी होगी और विदेशी ताकतों को इस बात का एहसास है कि उत्तरी फ्रंट पर संघर्ष को रोकने का रास्ता गाजा में युद्ध विराम से जुड़ा हुआ है और इसराइल खुद अल जलील में आक्रमण को लेकर डरा हुआ है। नसरल्लाह ने आगे कहा कि इजरायली सेना जवानों की कमी से जूझ रही है और इसी वजह से उसने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को सेना में भर्ती करने का फैसला लिया है और इसका इसराइल की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा असर पड़ेगा। नसरल्लाह ने आगे कहा कि इसराइल की अर्थव्यवस्था, मानव शक्ति और सामाजिक ताने बाने को थकाने का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं जो आखिर में इसराइल को गाजा में युद्ध रोकने के लिए मजबूर करेगा। और इस वक्त इसराइल अपने इतिहास में सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहा है। इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले की जांच में अपनी गंभीर कमियों का पता चला है और गाजा में युद्ध को लेकर IDF ने जो लक्ष्य रखा था वो उसे अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि अब इसराइल और लेबनान के बीच पूर्ण युद्ध में कोई खतरा नहीं रह गया है क्योंकि वो हमास का खात्मा नहीं कर पाया है और हिजबुल्ला को बॉर्डर से 8 से 10 किलोमीटर पीछे धकेलने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन नसरल्लाह ने अपने इस बयान में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नसरल्लाह का कहना है कि अगर इसराइल गाजा में युद्ध विराम के लिए राजी हो जाता है तो हम भी उत्तरी फ्रंट पर अपने हमले रोक देंगे। इस पर नसरल्लाह ने कहा कि हमास बातचीत कर रहा है, सारे प्रतिरोधी समूह के आधार पर हमास को जो भी स्वीकार होगा सब उसको स्वीकार करेंगे और उस पर सहमत होंगे। हम हमास से अपने साथ समन्वय के लिए नहीं कहते क्योंकि ये लड़ाई पहले उनकी है। आपको बता दें कि हाल ही में हिजबुल्ला ने हमास के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी जो कतर में इजरायली बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहा है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास कतर में पूर्ण युद्ध के प्रस्ताव के बजाय इसराइल द्वारा युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राजी हो सकता है, हाँ बशर्ते वो मध्यस्थों से इसको लेकर कुछ प्रतिबद्धता जरूर चाहेगा। और अगर इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बात बनती है तो हिजबुल्ला बिना किसी चर्चा के उत्तरी फ्रंट पर युद्ध तुरंत रोक देगा। हालांकि हिजबुल्ला ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर गाजा में युद्ध विराम हुआ और उसके बाद इसराइल ने अगर लेबनान पर हमला किया तो वो इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे।